हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेसन रितु में। तो आज हम करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की शिक्षण सहायक सामग्री। इससे पहले हम तीन चार टॉपिक कर चुके हैं, कौन कौन से कर चुके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या था, ईवीएस का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ानी चाहिए। थीम्स हमने की थी, सिक्स थीम्स होती है। एनसीएफ 2005 हम कर चुके हैं और टीचिंग मेथड हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है टीएलएम, ये हम हिंदी में भी कर चुके हैं लेकिन आज हम ईवीएस में भी करेंगे। जिसको कम टाइम हो, जिसने पहले ना किया हो, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की कर ले, चाहे वो ईवीएस की करो चाहे वो हिंदी की करो, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसी होती, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ठीक है जी। तो अगर किसी ने पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर रखी है, बहुत पहले से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अलग अलग से करे। ओके, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम अनुदेशात्मक सामग्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अनुदेशात्मक सामग्री भी हम जिसको कहते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री, ऐसे भी आपका लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होती है, अगर एक लाइन में हम बोले तो, मटेरियल कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो सकती है, देखने वाली भी हो सकती है, सुनने वाली भी हो सकती है, या देखने सुनने दोनों भी हो सकती है। लर्निंग सहायक मीन्स जो सहायता करे, जो टीचर की हेल्प करे। टीचिंग में, पढ़ाने में, यानी कि ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ जो टीचर की टीचिंग में, यानी कि जो टीचर की पढ़ाने में हेल्प करे, सहायता करे, वो क्या होती है, टीएलएम होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करें कि आदर्श टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, मतलब क्या होती है, क्या बहुत सारे पैसे खर्च करके जो मटेरियल लाया जाए वो अच्छा होता है ना, किस टाइप का होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। आदर्श टीएलएम कैसे हो, यानी कि आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, अनुदेशात्मक सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि भाई सिंपल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, SIMPLE, सिंपल, साधारण होना चाहिए। क्या आपको लगता है बहुत महंगी जो शिक्षण सहायक सामग्री है, बहुत महंगा सा कोई भी चीज़ है, महंगा सा कोई प्रोजेक्टर है, या ऐसी चीज़ें लाने से क्या आपको लगता है टीचिंग है या जो बच्चों की लर्निंग है वो ईजी होगी, लगता है आपको? हो सकता है बहुत महंगा सा टीचर कोई प्रोजेक्ट लेके आए, या कोई मॉडल लेके आए, कोई ऐसी चीज़ लेके आए, तो आपको पता है इतना महंगा है तो वो बच्चों के पास थोड़ी ना आने देगा, दूर से दिखाएगा, हाँ भाई ये देख लो इसको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बच्चे पास आएंगे तो पता है ना इतना महंगा है, तोड़फोड़ हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। और टीचर की, अगर प्राइवेट स्कूल का टीचर है तो उसकी सैलरी इतनी थोड़ी ना होती है वो महंगा सा लेके आए, या गवर्नमेंट टीचर भी है कोई भी, अगर एक हम कंटेंट को पढ़ाने के लिए इतना महंगा अगर हम चीज़ हम लेके आ रहे हैं, तो फिर बाकी कैसे होंगे, है ना। तो लर्निंग के लिए टीचिंग जो मटेरियल है, जो TLM है, वो सिंपल होना चाहिए, जितना हो सके उतना सस्ता हो, महंगा नहीं यूज़ करना, जितना हो सके उतना सस्ता हो, आसानी से मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। तो सिंपल होना चाहिए, सिंपल से ही क्या बनता है, सिंपल यानी कि सरल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आई से इंट्रैक्टिव, अंतक्रिया होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट की आपस में अंतक्रिया होनी चाहिए, ठीक है भाई। टीचर और स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो सामने एक टीचर खड़ा है मॉडल लेके, पैरट का मॉडल है मान लो, पीकॉक का मॉडल बना रखा है ना, वो बहुत सारे बर्ड्स इनका मॉडल बना रखा है और ऐसे दिखाया है, देखो ये पैरट है, ये पीकॉक है। ऐसे करने से बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चे कुछ उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, उस चीज़ को देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, तो नहीं सीख पाएंगे। इनकी इंट्रैक्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। ऐसे नहीं घर से कोई भी खिलौना उठा कर ले आए, ये लो देखो जी ये गाड़ी है, ये ट्रक है, ये ऐसे है, यातायात के साधन हमने पढ़ाने हैं, तो उस टाइम लेके आओ ना कि भाई ये गाड़ी है, इसके चार पहिए होते हैं, ट्रक है, इसके कितने पहिए होते हैं, उस टाइम काम आएगा, है ना। तो ऐसा ही नहीं है कि कोई चीज़ ला के दिखा दी, हाँ भाई ये मैंने बच्चों को ना TLM दिखा दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। लर्निंग बढ़ाए, ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को कुछ सिखाए, लर्निंग बढ़ाए। हमने प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, हमने प्लांट्स का पिक्चर दिखा दिया या फोटो दिखा दी हमने प्लांट्स की, तो सिर्फ उसको दिखाने से काम नहीं चलेगा, वो लर्निंग बढ़ाए, वो चीज़ में बढ़ोतरी करे। पिक्चर तो बुक में भी होती है, इमेज तो बुक में बनी होती है ना, वही हम उसको दिखा रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इंगेज, बच्चे उसमें संलग्न हो, बच्चे उसमें क्या हो, उसमें शामिल होने चाहिए, बच्चों के भी क्या होने चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। पर्पजफुल, कोई भी काम करते हैं आप, ईवीएस मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज जो पढ़ते हैं, ईवीएस जब हम पढ़ते हैं, उसका भी कोई ना कोई पर्पज़ है,
ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंस होती है, ठीक वैसे ही TLM का भी कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि हम किस काम के लिए पढ़ रहे हैं, किस काम के लिए पढ़ा रहे हैं। बच्चों से हमें कोई उम्मीद है, बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले से हमें ये होना चाहिए, तो यानी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए इसका। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि मतलब TLM की नीड क्यों है, हमें इसकी नीड क्यों है, ऐसा क्या है। तो देखिए, एक चीनी कहावत है भाई, हम पढ़ते हैं, ध्यान में रखना इसको, आई हियर कि मैंने सुना, आई फॉरगेट मैं भूल गया, कि मैंने जो सुना मैं भूल गया। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्लास को फोन को साइड में रख के आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप भूल जाओगे वो चीज़ मेरी क्लास है, और वहीं आई सी आई रिमेम्बर, वहीं आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपको वो चीज़ याद रहेगी, आपको वो क्या रहेगा, याद रहेगा, जब तक आपका पेपर होगा ना उस टाइम तक याद रहेगा कि हाँ मैम ने ये चीज़ ऐसे बताई थी, ये ऐसे बताई थी। ठीक है जी, आई डू, आई अंडरस्टैंड, आप करते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं, उन चीज़ों को खुद से पढ़ते हैं, है ना, जो टेस्ट दिए जाते हैं उन टेस्ट को आप करते हैं, तो क्या होगा, उन चीज़ों को आप हमेशा तक याद रखोगे, हमेशा हमेशा याद रहेगी, वो ये नहीं है कि सीटेट का पेपर हुआ वैसे ही साफ साफ नहीं होगी। ठीक है जी, तो I see, I hear, forget, I see, I remember, I do, I understand। TLM जो उसके नाम, आप जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो सकती है, सर्वे दर्श्य सामग्री आप कह सकते हैं, ठीक है, अनुदेशात्मक प्रबंधन आप इसको कह सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री आप कह सकते हैं, और TLM आप इसको कह सकते हैं, इनकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप इसको कह सकते हैं। चलिए अब TLM की बात करते हैं, सबसे पहले कि कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के टाइप कौन कौन से, तो फर्स्ट है सर्वे यानी कि ऑडियो, दूसरा है दर्श्य यानी कि विजुअल, थर्ड है आपका दर्श्य सर्वे यानी कि ऑडियो विजुअल, दर्श्य सर्वे और दर्श्य सर्वे यानी कि ऑडियो विजुअल, आपकी तीन टाइप्स आपके ध्यान रखना, एक और भी होता है क्रियात्मक क्रिया, वो हम करेंगे बाद में, तो ये तीन टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है सर्वे। सर्वे क्या होता है, ऑडियो, ऑडियो जो हम कानों से ग्रहण करते हैं। अब आप सोचोगे ये भी कोई बताने वाली बात है, पता ही है कानों से ग्रहण करते हैं, पर फिर भी पेपर में कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम सोचते हैं ये थोड़ी ना आएगा इसका आंसर, है ना, तो इसलिए ऑडियो जिसको हम कानों से ग्रहण करते हैं, ऑडियो किससे ग्रहण की जाती है, कानों से। ठीक है जी, ऑडियो इससे क्या है, बच्चा हो या कोई भी हो, कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कहीं भी बैठा हो रेडियो सुन रहा है वो कहीं भी बैठा सुन सकता है, खेत में कहीं भी, अब टीवी है हम खेत में तो नहीं लेके जा सकते, है ना, कोई भाषण सुनना या कुछ भी नॉलेज लेनी है, खेल के बारे में जानना है, पर्यावरण के बारे में जानना है, तो कहीं भी सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर है हम कहीं भी चला सकते हैं, अब जरूरी नहीं है जहाँ स्विच होगा वहीं चलाएंगे हम इसको, कहीं भी चला सकते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, ये सब आते हैं। ठीक है जी, तो रेडियो और ग्रामोफोन से क्या होता है, रेडियो से भाषा जो भाषण है वो हम सुन सकते हैं या जो गाने हैं वो सुन सकते हैं, सेम वही चीज़ ग्रामोफोन में है, भाषण सुन सकते हैं हम ग्रामोफोन से और गाना है वो सीख सकते हैं हम। ठीक है, तो दो चीज़ें डेवलप होती हैं आपकी, तो ये एकदम छोटे छोटे पॉइंट है, बिल्कुल मतलब इनको ध्यान में रखना, एकदम टिप्स पे रखना इनको कि हाँ किसमें क्या होता है, माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। लिंगवाफोन, बच्चे के जो उच्चारण है बालक का, जो भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम है उसको सुधारने में उपयोगी है, उच्चारण सुधारने में कौन सा उपयोगी है आपका, लिंगवाफोन उपयोगी है। टेप रिकॉर्डर, ये भाषण सुनने में ठीक है, किसी ने भाषण रिकॉर्ड किया वो सुन सकता है, अपना खुद का भी रिकॉर्ड कर सकता है या दूसरे का रिकॉर्ड किया हुआ भी सुन सकता है। दूसरा क्या फ़ायदा है यहाँ पे, एक इसका प्लस पॉइंट क्या है कि पक्षियों और जानवरों की जो आवाज़ है उसको हम सुना सकते हैं बच्चों को, हम कहीं से रिकॉर्ड कर ले उसको और क्लास में ला के सुना सकते हैं, एक एक पक्षी को तो नहीं पकड़ के ला सकते ना, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर से हम आवाज़ सुना सकते हैं कि शेर की आवाज़ कैसी होती है, कुत्ते की आवाज़ कैसी होती है, मोर की आवाज़ कैसी होती है, तो ये चीज़ें हम टैप रिकॉर्ड से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है जी, आगे करते हैं, दृश्य सामग्री, ये है आपकी विजुअल एड्स यानी कि दृश्य सामग्री, ये क्या है आपकी दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती है और इनके द्वारा हम कौन कौन से चैप्टर जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो हमने देखना है, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, सर्वे सामग्री है चाहे वो दृश्य सामग्री है चाहे वो दृश्य सर्वे सामग्री है, आपस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ही हमने ध्यान में रखना है, तो अच्छे से समझना। सबसे पहले हमारा मानचित्र यानी कि मैप के द्वारा हम दूरी, दिशा, इन सब का ज्ञान करा सकते हैं, स्थान का ज्ञान करा सकते हैं,
है ना, जैसे नदियां हैं, नदियां कहाँ से निकलती है, इतना डीपली नॉलेज तो बच्चे को हम नहीं दे सकते और ना ही वो उस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन कॉमन कॉमन जब आते जो है वो हम उसको करवा सकते हैं, पर्वतों के बारे में थोड़ा बहुत बताना हो कि हाँ ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम उनको बता सकते हैं, वो मैप के द्वारा अच्छे से हम बच्चे को कवर करवा सकते हैं। मानचित्र आप यही देख लीजिए, एक जैसे हमने बच्चे को बोला कि आपसे घर से आने और घर से स्कूल आने का जो मैप है वो बनाइए, तो वो बहुत अच्छे से उस रास्ते को बना सकता है, उससे क्या होता है उसको दूरी को, स्थान का, उस जगह का ज्ञान होता है। चार्ट तुलनात्मक अध्ययन के लिए बेस्ट है चार्ट, यानी कि एक साइड हम लिखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरी साइड सर्वनाम किसे कहते हैं, या जो संज्ञा के भेद होते हैं उसको लिखते हैं, है ना, और तथ्य और जो चीज़ें होती हैं जो मुश्किल हम इसको माने, नियम वगैरह होते हैं, नियम अगर डेफिनेशन हम बात करें तो वो इजीली हम चार्ट के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे हमने लिंक करवाना है बच्चे को, लिंक किसे कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बुलेटिन बोर्ड जो होता है या क्लास में जो बोर्ड होता है, एक बोर्ड जो हम लिखते हैं, जो हम यूज़ करते हैं डेली, एक बोर्ड जो हमें नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट देने के लिए या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो देने के लिए हम रखते हैं, तो उस पर हम लगा देंगे चार्ट, उस पर लिख के लिंक किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं, डिटेल में हमने नहीं लगाना, मोटी मोटी चीज़ें लगानी है बस, नियम हम लगा देंगे, तो वो चीज़ें चार्ट के द्वारा हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नियमों को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। रूल्स होते हैं मैथ्स में, जैसे मान लो ये तो ईवीएस की बात है, खैर छोड़ो, अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स के रूल है वो चार्ट लगा के हम क्लास में लगा देते हैं, तो वो चीज़ हम डेली पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है जी, चित्र, चित्र क्या होता है, वास्तविक आकार का हमें पता लगता है, जैसे हम किसी की फोटो देखते हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा आदमी है, तो उसकी फोटो देखते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसकी एज क्या है, ये कितना बड़ा है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है, या जैसे फोटो में हम बच्चे हैं उनके बच्चों को हम देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे की हाइट कम है, इस बच्चे की हाइट ज़्यादा है, तो ठीक वैसा ही बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हम पता लगा सकते हैं फोटो, जैसे प्लांट है, पौधा है, उसके पार्ट से फोटो दिखा सकते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये पौधा जो दिखने में छोटा है, मतलब ये छोटा होता है, पेड़ है तो वो पेड़ जैसा देखेगा, तो हम उस चीज़ को वास्तविक रूप उसका देख सकते हैं। स्थायी ज्ञान होता है, जैसे ताजमहल की हम फोटो दिखाएंगे, एक तो हम ताजमहल के बारे में वैसे ही पढ़ाए जा रहे हैं और एक हम फोटो दिखाएंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे चार पिलर है इसके, है ना, तो वो अच्छे से क्या होगा समझ आएगा। श्यामपट, आजकल श्यामपट बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, जागपट होते हैं, ग्रीन होते हैं, कोई किसी कलर का होता है, कोई किसी कलर का होता है, तो हम इसको जागपट बोल सकते हैं, आपको जागपट ही लिखना है। लेसन प्लान में कई बार बनाते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं कि श्यामपट लिखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर जगह श्यामपट हो, जागपट होता है, तो जागपट से हम विषय वस्तु को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे मैंने रूट्स वाला लेसन पढ़ाना है, प्लांट्स वाला लेसन पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जगह है तो मैं एक तो देखो बुक में जैसे है वैसे मैं पढ़ा रही हूँ, और एक मैं बच्चों पास से बना के पढ़ा रही हूँ कि भाई यहाँ ये जो है आप देखिए ये पेड़ है, ठीक है, ऐसे ऐसे मैं उसको पढ़ाऊंगी कि ये यहाँ जो होती है जड़े होती है, ये स्टेम होता है, फिर ये ऐसे ऐसे मैंने बना दी, फिर मैं बोलूंगी इसके अंदर जो निकलती है वो ब्रांचेज होती है ना, ऐसे ब्रांचेज होती है, और ये जो मोटी मोटी इधर उधर निकली हुई है ये पत्तियां हैं, है ना, लीव्स है, और ऐसे कोई भी फ्रूट लटका दिया, मतलब मान लो ये मैंगो है, यानी कि ये फ्रूट है, मतलब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगी, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चे को। एक मैं वैसे ही बताऊंगी, हाँ आपने देखा होगा ऐसे स्टेम होता है, ऐसे उसकी जड़ें होती है, और एक वही चीज़ मैं क्या करवाऊंगी आपको बोर्ड पे करवाऊँ तो आसानी से स्पष्ट होगी, यानी कि विषय वस्तु को हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सब में, तो वो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, विषय वस्तु स्पष्ट कर सकते हैं। आगे है बुलेटिन बोर्ड, पहले तो नहीं होता था, अभी आजकल स्कूलों में होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्कूल की अपडेट होती है, जो भी न्यूज़ होती है, या जो भी कई बार क्या करते हैं बच्चे पोएम वगैरह लिख लेते हैं या कोई भी ऐसे थॉट होते हैं, तो वो चीज़ हम बुलेटिन बोर्ड पे कर सकते हैं, तो हमें स्कूल के बारे में या और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में अपडेट मिलती रहती है। सूचना पट हम इसे कह सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड हम इसे कह सकते हैं। देखो हमें नाम पता होना चाहिए, मेन बात तो हमें नाम पता होना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि ये सर्वे सामग्री है, दृश्य है या दृश्य सर्वे है। मॉडल, मॉडल या प्रदर्शन हम कहें, मॉडल किसी चीज़ का वास्तविक रूप या आकार प्रकट करता है कि ये कैसा है, मतलब ये चीज़ एक्चुअल में कैसी है और इसका आकार कैसा है, वो हम मॉडल के थ्रू देख सकते हैं वास्तविक रूप के आकार। और जैसे इसका ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, जैसे ग्लोब की बात कीजिए आप, ग्लोब एक टाइप में दृश्य सामग्री है और वो एक टाइप में क्या है, इसका एग्जाम्पल है, मॉडल इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लोब, तो दृश्य सामग्री भी है ग्लोब, तो ग्लोब क्या है, एक मॉडल है अपने वर्ल्ड का, यानी कि जो नक्शा है, जो पृथ्वी जो है उसका क्या है, एक मॉडल है, तो उसके थ्रू जो हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। स्लाइड्स,
स्लाइड्स हैं, इनकी स्लाइड्स होती हैं बहुत सारी, तो इसके थ्रू क्या करते हैं, कोई चीज़ को हूबहू दिखा सकते हैं, जैसे ही वो चीज़ है वैसे ही हम उसको स्लाइड के द्वारा दिखा सकते हैं। और छोटी से छोटी चीज़ जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनकी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो भी हम दिखा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे भूकंप कैसे आता है, उससे कितनी हानि हुई, तो ये चीज़ें हम स्लाइड्स के द्वारा अच्छे से दिखा सकते हैं। समाचार पत्र, समाचार पत्र एक तो इसमें सिर्फ ईवीएस का ही नहीं, बहुत सारी जो टॉपिक्स होते हैं विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। छोटे बच्चे को भी हमें, जब वो पढ़ता है तो उसकी लैंग्वेज अच्छी होती है, उच्चारण अच्छा होता है ना, स्किल अच्छी होती है उसकी पढ़ने की, तो और भी बहुत सारी उसको नॉलेज मिलती है, जीके की जितने भी मान लो हर एक सब्जेक्ट की मिलती है। और ज्वलंत जो मुद्दे हैं उस टाइम एट अ टाइम के जो मुद्दे होते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, गाँव में, शहर में क्या चल रहा है, तो उन चीज़ों की नॉलेज भी बच्चे को रहती है। नेक्स्ट है आपका टिकट समय सारणी, जो कि हमने ईवीएस में पहले भी हम कर चुके हैं, जब हमने टॉपिक्स किए थे उसमें दिशा वाला और टिकट समय सारणी वाला, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आता है। तो इसका क्या फ़ायदा है, वैसे तो हम कर चुके हैं पर फिर बता देती हूँ। अवलोकन कौशल का विकास होता है, बच्चे उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा क्या होता है, सैद्धांतिक तथ्य को व्यवहारिक रूप में समझाना। सिर्फ टिकट ही नहीं, हम बिजली का बिल, दूध का बिल, सॉरी दूध का बिल नहीं होता, पानी का बिल, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं बच्चे को। यानी कि सैद्धांतिक चीज़ जो है, हम टिकट के बारे में बच्चे को बताते हैं, रेलवे टिकट के बारे में हम बताते हैं, बस की टिकट के बारे में बताते हैं हम उसको कि उसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, वही वही टिकट हम बच्चों से मंगवा लेते हैं अगर किसी के घर में, तो लेके आना या टीचर खुद लेके आएगा, बच्चों को दिखाएगा, तो वो सैद्धांतिक जो चीज़ है, जो वो नियमों में बताता है, वो चीज़ उसको रियल में देखने को मिलेगी, ठीक है। डायस्कोप, और दूसरी बात क्या है, जब वो कहीं सवारी करेगा, जब वो कहीं जाएगा, जब हम उसको रेल टिकट के बारे में या बस टिकट के बारे में बताएं कि ऐसे ऐसे होता है, तो उसके बाद बच्चा जब कहीं जाएगा तो वो उस टिकट को आराम से अच्छे से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि मेरे टीचर ने जो मुझे बताया है क्या वो इसमें है, क्या क्या होता है, तो वो अच्छे से देखेगा। अगर आपने नहीं बताया होगा तो उसको वो चीज़ इतनी ध्यान नहीं, इतनी समझ बच्चे में नहीं है कि वो उसको आराम से उस चीज़ को या उस चीज़ को अवलोकन करे, ठीक है जी। तो आपको इसके बारे में बताना है। डायस्कोप, इसको मैजिक लालटेन भी कहते हैं या जादुई लालटेन भी इसको कहा जाता है। ये पुरानी विधि है, ये क्या है, पुरानी विधि है। यहाँ क्या होता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट हमने पढ़ाना है उसको बड़ा करके दिखाना, ठीक है। संग्रहालय ये बड़ी क्लासों के लिए उपयोगी है, छोटी के लिए नहीं है इतना, बड़ी के लिए ज़्यादा उपयोगी है, मैथ्स के या साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, या जैसे भूगोल के लिए, इनकी ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं संग्रहालय में रखी होती है, जो बच्चों को दिखानी होती है कि हाँ ये चीज़ें इस टाइप से होती है। एपिडायस्कोप, ये क्या होता है, इसमें पारदर्शक और जो अपारदर्शक दोनों ही चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं। आगे है आपका कठपुतली, प्रदर्शनी, इनकी जो हम प्रदर्शनी लगाते हैं, विज्ञान वाटिका, या वास्तविक पदार्थ, वास्तविक जिसे जिंदा मेंढक नहीं मरा हुआ, ठीक है, मेंढक, चूहा या पुष्प बीज, की फूलों के बीज, ये चीज़ें हम उनको दिखा सकते हैं। ऐसे पत्तियां दिखा सकते हैं, पौधे की टहनी हम दिखा सकते हैं, पत्तियां दिखा सकते हैं, तो ये सब किस में आता है, दर्शय सामग्री में आता है। यहाँ दर्शय सर्वे और सर्वे दर्शय सामग्री से क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ना आपसे वो चीज़ों के बारे में पूछता है कि ये जो सामग्री है वो दर्शय है या सर्वे है या दर्शय सर्वे है। तो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो यूज लगता है कि ये सर्वे हो सकती है या दर्शय सर्वे हो सकती है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। कल हम करेंगे दर्शय सर्वे सामग्री, आज हमने सर्वे सामग्री की, दर्शय सामग्री की और कुछ एक और पॉइंट्स के, कल हम करेंगे दर्शय सर्वे सामग्री और इनका क्या महत्व है इस सब्जेक्ट में या बच्चे के लिए क्या महत्व है वो हम करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, और क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू। क्वेश्चन है आपका सीरीज में आए हुए क्वेश्चन है सारे ही, मैंने कहा था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं, सीटेट में 2018 में आया क्वेश्चन है, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पाठ का उपयोग, तो कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि और गतिविधियां हैं। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो हमने ये तीनों ही चीज़ों के बारे में पढ़ा है, चित्र पढ़ना आज पढ़ा है हमने, फील्ड भ्रमण कल किया था, श्याम पाठ का उपयोग आज ही किया है हमने, तो तीनों ही ठीक है, इनकी डी इज़ अवर राइट आंसर। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कहा था ना माइनर सा डिफरेंस होता है, बस टॉपिक पूछेगा आपसे कौन सा टॉपिक आप किस मेथड से पढ़ाओगे, यही पेडागोजी। अगर आपको यही समझ आ जाता है
तो इससे आगे तो फिर समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, संदर्भ पुस्तकें यानी कि जो पुस्तकें हैं, जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें लगाई हुई है, वो पुस्तकें या पोस्टर या समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक। तो ईंधन का संरक्षण यानी कि लकड़ी यानी कि जो हम ईंधन यूज़ करते हैं उसका संरक्षण हमने करना है, तो उसके लिए कौन सा संसाधन बेस्ट होगा? तो उसके लिए समाचार पत्र जो होता है वो अपना सबसे बेस्ट संसाधन होता है। ना ही तो हम पाठ्य पुस्तक को हम कह सकते, ना ही संदर्भ पुस्तकें यानी कि जो और बाकी जो पुस्तकें होती है आपकी, ना ही पोस्टर हम कह सकते। इनमें से अगर देखें तो समाचार पत्र है। वैसे और बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने इनमें से सर्वश्रेष्ठ तरीका बताना है, तो वो कौन सा है? समाचार पत्र। आगे ये क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों की विशेष आवश्यकता होती है? तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, अभी मैंने करवाया था ये, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल यानी पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो बच्चों में यानी कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनमें क्या समझ होती है, उन बच्चों में क्या समझ होती है? तो मैंने आपको क्या बताया था, स्थानों की समझ होती है, स्थान यानी कि जगह दूरी इनकी समझ होती है, दिशा की समझ होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था घर से स्कूल का मैप बनाना, प्रतीकों स्केल पैमाने की समझ होती है, वो यूज़ करेगा ना, जैसे उसके घर से ही स्कूल की दूरी है मान लो, तो जहाँ उसका फ्रेंड चढ़ता है घर से ही, और वो फ्रेंड जो चढ़ता है वो थोड़ी दूरी पर चढ़ता है, उसके बाद स्कूल ज़्यादा दूरी पर पड़ता है, तो उस चीज़ को बच्चे की समझ होगी, यहाँ मुझे इतनी दूरी बनानी है, मुझे इससे आगे ज़्यादा दूरी शो करनी है। ठीक है, तो ड्राइंग बनाना ये बच्चे को समझ नहीं, प्राथमिक स्तर पर ये समझ बच्चे को नहीं होती, तो हमारा सी ये जो बी है ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि ए बी सी तीनों ही ठीक है। ठीक है जी।